जिला हमीरपुर में 28 जनवरी को 0 से 5 वर्ष तक की आयु के 36,948 बच्चों को पल्स पोलियो प्रतिरक्षण की खुराक पिलाई जाएगी। ये जानकारी उपायुक्त राकेश प्रजापति ने पल्स पोलियो अभियान को लेकर आयोजित जिला टास्क फोर्स कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने बताया कि जिला में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान 2 चरणों में चलाया जाएगा, जिसमें 5 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को 28 जनवरी और 11 मार्च को पल्स पोलियो प्रतिरक्षण की खुराक पिलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला के 5 वर्ष तक की आयु के लगभग 36,948 बच्चों को इस अभियान के तहत पोलियो खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि पोलियो खुराक पिलाने के लिए 282 बूथ स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस अभियान के लिए 1128 सदस्य दल की तैनाती की जाएगी। उन्होंने बताया कि 19 फरवरी को दीप मेडिंग डे मनाया जाएगा, जिसके तहत 1 से 19 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को आंगनबाड़ी स्तर पर और सरकारी तथा प्राइवेट स्कूलों में पेट में कीड़े मारने की दवाई खिलाई जाएगी, ताकि बच्चों का स्वास्थ्य स्वस्थ रहे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सावित्री कटवाल ने बताया कि अभियान के तहत 5 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को पोलियो खुराक पिलाने के लिए कर्मचारियों की ड्यूटियां लगानी सुनिश्चित की जा रही है, ताकि कोई भी बच्चा इससे वंचित न रहे। उन्होंने बताया कि 1 वर्ष तक के बच्चों में शिशु मृत्यु दर का एक मुख्य कारण दस्त होते हैं। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, खंड चिकित्सा अधिकारी, शिक्षा विभाग तथा समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी वंदना चौहान ने भाग लिया।